मृतक संकेत भोसले के परिवार से मिलने पहुंचे भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख। तस्वीर भिवंडी के उराल देवी नगर की है, जहां आपको बता दें कि मृतक संकेत भोसले इस इलाके में रहा करता था और मृतक के परिवार से मिलने के लिए भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख अपने सहयोगियों के साथ में दिखाई दिए। जहां पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वहां पर स्वाति कामले भी मौजूद थी। विशेष तौर पर पीड़ित के परिवार ने विधायक रईस शेख के समक्ष कई बातें रखी कि अभी भी कई आरोपी फरार हैं। विधायक रईस शेख ने उन सभी को आश्वासित किया कि जो भी आरोपी फरार है उन्हें जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाने की परिवार को न्याय देंगे, इस तरह की बातें करते हुए विधायक रईस शेख दिखाई दिए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि संकेत भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए विधायक रईस शेख दिखाई दिए। वहीं पर पीड़ित के परिवार के सदस्य ने हमारे चैनल से बातचीत किया और क्या कहा ये सुनते हैं। यहाँ पे पूर्व के आमदार रईस शेख ये साहब यहाँ पे आज वाराणसी नगर में संकेत भोसले के अर्धांजलि देने के लिए वो आए थे। उनको प्रश्न ऐसा संकेत भोसले के पिताजी ने किया कि मुझे आपकी तरफ से, आपकी सत्ता की तरफ से हमको न्याय मिलना चाहिए। मेरे लड़के को, मतलब सुनील भोसले के लड़के की जो हत्या हुई, कुरहत्या, उसके लिए वो जितने आरोपी है वो सबको अटक तो हुए, उसमें से कुछ आधे फरार है। जैसे कि वो देवा धोत्रे, उसकी दादी माँ आज ऐसा सुना है कि वो देवा को कोर्ट में लेके आने के बाद उसकी दादी माँ भी वहाँ पे आई थी और उसके बाद भी अपने भिवंडी शहर का प्रशासन, पुलिस अधिकारी क्या कर रहे ये समझ में आ रहा है। मतलब उनको इतना प्रोत्साहन क्यों दे रहे, और वो बात यहाँ पे खंडू उबाले और मैं और संकेत के पिताजी ने आमदार साहब के सामने रख दी। और रखने के बाद आमदार साहब ने हमको ऐसा आश्वासन दिया कि उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा देने के लिए मैं आपको सहकार्य करूँगा। और उन्होंने विधानसभा में भी अच्छा ये विषय उठा के वहाँ पे भी विधानसभा में लेके गए हमारे लिए और संकेत के लिए। कहीं तो न्याय मिलेगा, इसकी आशा हम उनके ऊपर रखते हैं।